हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं जो कि एदुटेरिया बुक से लिया गया है। और एदुटेरिया बुक वार्षिकी है, पूरे साल का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। तो करंट अफेयर का पूरा पैकेज है आपको एदुटेरिया मिल जाएगा और मैं ये एदुटेरिया 2 से 3 दिन में कंप्लीट कवर करने वाली हूँ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर के बाद अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो मैंने लूसेंट 2020 एडिशन का पूरा सब्जेक्ट डाल रखा है। तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट के लिए आप लूसेंट 2020 एडिशन देख लीजिए और करंट अफेयर के लिए 2 से 3 दिन में आपको पूरा करंट अफेयर वार्षिकी पूरा मिल जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे वर्ष 2020 की प्रमुख नियुक्तियां। तो सबसे पहले राष्ट्र नियुक्तियां, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा कौन है? ये SBI के नए अध्यक्ष हैं। एम राजेश्वर राव RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर हैं। अन्य तीन लोग हैं BP कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल देव पात्रा। तो RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर का पद होता है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसके बाद बात करते हैं परेश रावल कौन है। परेश रावल जो है ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष हैं। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के अध्यक्ष हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के पुनः उपसभापति हैं। वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद बात करते हैं PD वाघेला कौन है। तो PD वाघेला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी UPSC के नए अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। इसके बाद बात करेंगे कि उदय शंकर कौन है। तो उदय शंकर FICCI के चेयरमैन हैं। उदय शंकर कौन है? ये FICCI के चेयरमैन हैं। जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के पुनः अध्यक्ष हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। राजीव कुमार चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और सुशील चंद्रा और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। के के वेणुगोपाल भारत की पुनः अटॉर्नी जनरल हैं। उदय कोटक कौन है? ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं यानी CIC। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 RIT एक्ट के तहत हुआ था। संजय कोठारी कौन है? ये भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी CVC हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 के संस्थान समिति के सिफारिश पर हुआ था। यूबी प्रवीण राव नासकॉम के चेयरमैन 2020-21 के लिए हैं। नासकॉम IT उपयोग के शीर्ष संगठन है। इसके बाद आप जानेंगे संसद के विभिन्न तीनों वित्तीय समिति के अध्यक्ष जो कि पुनः निर्वाचित हैं। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति, गिरीश बापट प्राकलन समिति, मीनाक्षी लेखी लोक उपक्रमों के समिति से हैं। जी आर चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन हैं। जी नारायणन इसरो के वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? K.C. राजीव वंसल एयर इंडिया के चेयरमैन हैं। डॉक्टर ए पी माहेश्वरी CRPF के महानिदेशक हैं। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के पहले अध्यक्ष थे। हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI का स्थान NMC ने ले लिया है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष हैं। वीके यादव रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO हैं। तो रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन है? VK यादव। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ कौन है? ये राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं ये भारत के विदेश सचिव हैं। इसके बाद हम जानेंगे वर्ष 2020 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत या उच्चायुक्त। मनोज भारती कहाँ के हैं? इंडोनेशिया में हैं, अक्टूबर में हुए हैं। नंदिनी सिंगला मॉरिशस में अक्टूबर में। तन्मयला स्वीडन में अक्टूबर में। देवयानी खोबड़ागरे कंबोडिया में अक्टूबर में। राष्ट्रीवास्तव क्रोएशिया में सितंबर में। गायत्री इस्सर कुमार UK में जून में। रवीश कुमार फिनलैंड में जून में। इसके बाद मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में जून में। सुरेश के रेड्डी ब्राज़ील में मई में। पेरिया सामी कुमारन सिंगापुर में मई में। जावेद अशरफ फ्रांस में फरवरी में। गोपाल नागले श्रीलंका में फरवरी में हुए हैं। अजय बिसारिया कनाडा में जनवरी में हुए हैं। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में जनवरी में।
तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में जनवरी में। इसके बाद हम देखेंगे वर्ष 2020 में नियुक्त भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में है इंद्रमणि पांडे, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है TS त्रिमूर्ति, यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में है विशाल वी शर्मा। संजय कुमार मिश्रा कौन है? संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। संजय कुमार मिश्रा आदिल सुमरीवाला राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। नीतू डेविड भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष हैं। नीतू डेविड अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अजय त्यागी कौन है? अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन हैं। तो सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। अविक सरकार PTI के चेयरमैन हैं। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। राकेश अस्थाना BSF के महानिदेशक हैं। इसके बाद हम जानेंगे वर्ष 2020 में नियुक्त भारत के कार्यकारी निदेशक। तो विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नियुक्त या नामित कार्यकारी निदेशक हैं राजेश खुल्लर। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के कार्यकारी निदेशक हैं समीर खरे। सेबी के निदेशक मंडल में हैं GP गर्ग। राष्ट्रीय के बाद अब हम बात करेंगे वर्ष 2020 की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो अशोक लवासा जो कि भारतीय हैं, अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक यानी ADB के उपाध्यक्ष हैं। मासात्सुगु असाकाना ये वर्तमान में ADB के अध्यक्ष हैं। वोल्कन बोजिकर जो कि टर्की से हैं, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष हैं। वोल्कन बोजिकर UNO के वर्तमान महासचिव हैं। एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल से हैं, UNO के उप महासचिव हैं। अमीबा मोहम्मद जो कि नाइजीरिया से हैं। प्रीतम सिन्हा भारतीय मूल के हैं, ये सिंगापुर में विपक्ष के नेता का दर्जा मिला है इनको। अनिल सोनी भारतीय मूल की हैं, ये WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। दिया मिर्जा जो कि भारतीय हैं, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की पुनः सद्भावना दूत हैं। इसके बाद मनीषा सिंह भारतीय मूल की हैं, ये है विकसित देशों के समूह UECD में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि। सीमांचल दास भारतीय हैं, ये IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार हैं सीमांचल दास। उर्सुला वॉन डेर लेन ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अहमद हुसैन BCR ये दक्षेस महासचिव SAARC हैं। डायरेक तांग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO के महानिदेशक हैं डारेंग तांग। जे अरुण कुमार USA के मुख्य क्रिकेट कोच हैं। रघुराम राजन IMF के बाहरी सलाहकार हैं। अनिल किशोरा नेशनल डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। माइकल ईरानी IMF के अंतरिम अध्यक्ष हैं। कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है जो बाइडन और कमला हैरिस। इसके बाद बात करेंगे वर्ष 2020 में हुए विभिन्न देशों के साथ भारत का समझौता ज्ञापन MOU। तो ये महीना दे रखा है, ये किस क्षेत्र में हुआ था समझौता और किन देशों के साथ भारत का समझौता हुआ था वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक एक करके इनको हम देखना शुरू करते हैं। नवंबर 2020 में किस क्षेत्र में? खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए स्पेन के साथ। नवंबर 2020 में दूरसंचार ICT के क्षेत्र में UK के साथ। अक्टूबर 2020 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ। अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कंबोडिया के साथ। अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ। अक्टूबर 2020 में ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्वार और संरक्षण हेतु इटली के साथ। 21 अक्टूबर 2020 को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग के लिए नाइजीरिया के साथ। सितंबर 2020 में भूविज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ। सितंबर 2020 में भारतीय सशस्त्र बल और जापान के आत्मरक्षा बल के बीच आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित आदान प्रदान के एक समझौता के लिए जापान के साथ। जुलाई 2020 में पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में जिम्बाब्वे के साथ। जून 2020 में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भूटान के साथ। मार्च 2020 में रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए जर्मनी के साथ। फरवरी 2020 में सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में आइसलैंड के साथ। जनवरी 2020 में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्राजील के साथ। जनवरी 2020 में शांति और नागरिक उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग हेतु मंगोलिया के साथ। जनवरी 2020 में ध्वनि विज्ञान में सहयोग के लिए स्वीडन के साथ।
सॉरी जनवरी 2020 में द्रव्य विज्ञान में सहयोग के लिए स्वीडन के साथ, जनवरी 2020 में भारतीय रेलवे के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए सहयोग के लिए यूके के साथ। सेकेंड चैप्टर में हम बात करेंगे वर्ष 2020 में नियुक्त हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष। सबसे पहले अफ्रीका, अफ्रीका में बुरुंडी, बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं एवारिस्टे नदाईशिमिए, प्रधानमंत्री हैं अलैन गुलियुम बनोनी, गैबॉन, गैबॉन के प्रधानमंत्री हैं रोज क्रिश्चियन रेबोंडा, आइवरी कोस्ट प्रधानमंत्री हैं हामिद बकायोको और राष्ट्रपति हैं अलसेन ओटानरा। इसके बाद अफ्रीका के लेसोथो, लेसोथो के प्रधानमंत्री हैं मोइकेट्सी मजोरो, मलावी, मलावी के राष्ट्रपति हैं लेजानरस चाकवेरा। इसके बाद अफ्रीका के माली में अंतरिम राष्ट्रपति हैं बाहनेड्डा, प्रधानमंत्री हैं मोक्टर ओने, मोरिटानिया, मोरिटानिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। अफ्रीका के सेशल्स के राष्ट्रपति हैं वेवेल रामक लावन जो कि भारतवंशी हैं। सोमालिया, सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं हिचेम मचीची। अफ्रीका के तंजानिया में राष्ट्रपति हैं पोम्बे मागुफुली। इसके बाद अफ्रीका के बाद आते हैं उत्तरी अमेरिका, एशिया, एशिया के तजाकिस्तान में राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हैं सादर जापारो। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं किम टोक हुन। लेबनान प्रधानमंत्री हैं साद अल हरीरी। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोहिउद्दीन यासीन। इसके बाद आते हैं एशिया में कतर, कतर के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कुवैत, कुवैत के शासक हैं शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। इसके बाद एशिया में इराक, इराक के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। जापान, जापान के प्रधानमंत्री हैं योशी हिडे सुगा। जॉर्डन, जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं बिशार खसावने। दक्षिण कोरिया प्रधानमंत्री चुंग सिय क्यून। ओमाना, ओमान के प्रधानमंत्री शासक हैं हैथम बिन तारिक। एशिया के बाद आते हैं हम उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका के बेलीज में प्रधानमंत्री हैं कौन, जॉनी ब्रिसिनो। उत्तर अमेरिका के डोमिनिकन रिपब्लिक में राष्ट्रपति हैं लुइस अबिनाडर। ग्वाटेमाला राष्ट्रपति हैं अलेजाद्रो जिया मातेती। हैती के प्रधानमंत्री हैं जोसेफ जोथे। उत्तरी अमेरिका के बाद आते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में राष्ट्रपति हैं लुइस अर्से। गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। सूरीनाम, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चैन संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जिनका पूरा नाम है। उरुग्वे, उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं लुइस लाकले पॉ। तो दक्षिण अमेरिका के बाद आते हैं हम यूरोप में, तो यूरोप के ऑस्ट्रिया में चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज। बोलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं जोरॉन मिलेनोविक। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। इसके बाद यूरोप के मालडोवा के राष्ट्रपति हैं माइया सैडू, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं माइया सैडू। आयरलैंड, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। इसके बाद आते हैं यूरोप के माल्टा में, तो माल्टा के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट अबेला। नॉर्थ मेसिडोनिया के प्रधानमंत्री हैं जोरॉन जेव। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं इगोर मातोविक। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं जनेस जानसा। इसके बाद यूरोप के गिनी में राष्ट्रपति कौन है, अल्फा कॉन्डे। यूक्रेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं डेनिस सिमगल। तो इसके राष्ट्राध्यक्ष के बाद आते हैं थर्ड चैप्टर में, जिसमें हम वर्ष 2020 में हुए प्रमुख निधन लोगों को देखेंगे जिनका निधन हो चुका है। धर्मपाल गुलाटी, धर्मपाल गुलाटी कौन है, ये MDH ग्रुप के मालिक हैं। 2019 में पद भूषण से सम्मानित हुए थे धर्म गुलाटी। दिनेश्वर शर्मा, ये लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार CBI के पूर्व निदेशक और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल हैं। शोभा नायडू, शोभा नायडू कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी और पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित है शोभा नायडू। केशु भाई पटेल, केशु भाई पटेल कौन है, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आंग रीता शेरपा एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आंग रीता शेरपा। कुल 10 बार एवरेस्ट फतह किए हैं ये अंग रीता शेरपा। शेखर बसु,
शेखर बसरू पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु। एसपी बला सुब्रमण्यम, ये भारत के विभिन्न भाषाओं में संगीतकार, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता थे। इसके बाद अगले निधन व्यक्ति हैं अहमद पटेल। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अहमद पटेल। रामविलास पासवान, ये मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, कुल 6 बार प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक वर्ष 2000 में थे और 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं रामविलास पासवान। पुरुषोत्तम राय, ये पूर्व एथलेट्स कोच, इन्हें वर्ष 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है पुरुषोत्तम राय को। केशवानंद भारती, 1973 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले इदानीर मठ केरल के संत हैं केशवानंद भारती। रघुवंश प्रताप सिंह, यूपीए सरकार में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और 5 बार वैशाली से सांसद रहे हैं। जसवंत सिंह, ये पूर्व वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री हैं। 1998-99 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे जसवंत सिंह। इसके बाद शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा, ये कुवैत के अमीर यानी शासक, पूर्व में कुवैत के प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा। डियागो माराडोना, ये अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर थे डियागो माराडोना। पंडित जसराज मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक, पद्मश्री, पद्मभूषण और अन्य उच्च पुरस्कारों से सम्मानित रहे हैं पंडित जसराज। इनके सम्मान में क्षुद्र ग्रह 2006 वीपी का नाम पंडित जसराज किया गया था। चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भी थे। राहत इंदौरी इंदौर के मशहूर उर्दू शायर हैं। ली तेंग हुई, ये ताइवान के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। लाल जी टंडन तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। सरोज खान मशहूर कोरियोग्राफर थी, मूल नाम इनका निर्मला नागपाल था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के राजनेता और तत्कालीन राज्यसभा के सांसद थे। पियरे नुकुरुजिज्जा, इनका, ये बुरुंडे के पूर्व राष्ट्रपति थे। बासु चटर्जी बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता निर्देशक थे। इसके बाद वाजिद खान बॉलीवुड गायक और संगीतकार थे। सुशांत सिंह राजपूत, ये बॉलीवुड के युवा अभिनेता थे, केवल 34 वर्ष के आयु में इनकी मृत्यु हो गई। पहली बार ये काई पोछे इनकी मूवी थी। इरफान खान मशहूर फिल्म अभिनेता थे, पहली फिल्म थी इनकी 1988 में सलाम बॉम्बे, अंतिम फिल्म 2020 में अंग्रेजी मीडियम। ऋषि कपूर मशहूर फिल्म अभिनेता हैं, ये प्रथम फिल्म मेरा नाम जोकर, बाल कलाकार की भूमिका थी इनकी। इसके बाद लाइसेनिया करासे, ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री हैं लाइसेनिया करासे। बलवीर सिंह जो कि सीनियर हैं, ये हॉकी के महान खिलाड़ी, ओलंपिक 1948, 1952, 1956 में स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे बलवीर सिंह सीनियर। सुजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र कुमार पचौरी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी, पद्म विभूषण और कई देशों के उच्च पुरस्कारों से सम्मानित हैं राजेंद्र कुमार पचौरी। होस्नी मुबारक, ये मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हैं होस्नी मुबारक। कोबे बीन ब्रायंट, ये अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। कमल बहादुर सिंह, पहली लोकसभा 1952 के जीवित एकमात्र सांसद थे कमल बहादुर सिंह। 1952 के आम चुनाव में शाहबाद से लोकसभा सांसद थे। बापू नादकर्णी, भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 21 ओवर मेडन फेंकने का रिकॉर्ड उनका अभी तक का नहीं टूटा। बापू नादकर्णी। तरुण गगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री, 2001 से 2016 असम के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं तरुण गगोई। 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी, ये मलयालम कवि थे, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीन जोन्स क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के, आईपीएल 2020 कमेंट्री के दौरान इनका निधन हो गया था। सुरेश अंगड़ी, ये पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, कोरोना संक्रमण से मौत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं ये सुरेश अंगड़ी। डॉक्टर
पद्मावती अय्यर ये देश की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से विख्यात थी। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थी डॉक्टर पद्मावती अय्यर। इसके बाद बात करते हैं भानु अथैया। भानु अथैया फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित थी। भारत की पहली ऑस्कर विजेता थी भानु अथैया। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 2012 से 17 तक इनका कार्यकाल था। भारत रत्न से सम्मानित 2019 में हुए थे। पद्म विभूषण 2018 से सम्मानित हुए। 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। वे विदेश रक्षा और वित्त मंत्री भी रह चुके थे प्रणब मुखर्जी। सौमित्रा चटर्जी। सौमित्रा चटर्जी भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक नाटककार लेखक और कवि नाटककार थे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2011 में इनको मिला था। मृदुला सिंह। मृदुला सिंह गोवा के पूर्व राज्यपाल थे। गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं मृदुला सिंह। सैयदा अनवरा तैमूर ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। 1980-1981 के दौरान इनका कार्यकाल था। असम की एकमात्र मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री है ये। अमिताभ घोष। अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ये बहरीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आगे हम बात करेंगे रेलवे स्पेशल करंट अफेयर को देखेंगे जो कि पिछले 2 सालों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो केवल एक महीने नवंबर 2020 में 40 इलेक्ट्रॉनिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड बीएलडब्ल्यू यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया है। 40वें इलेक्ट्रिक इंजन 6000 एचपी क्षमता की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री विनोद कुमार यादव ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक बड़ी रेल लाइन नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नवंबर 2020 तक 66% बड़ी रेल लाइन और ब्रॉड गेज लाइन मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की है जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत रही। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं ये चार्ट में ये किसान रेल है। पहली किसान रेल देवलाली यानी नासिक महाराष्ट्र से दानापुर तक चलेगा, दानापुर पटना बिहार। दूसरी किसान रेल जो कि दक्षिण भारत की पहली रेल है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। तीसरा किसान रेल बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक। चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक। भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDDI के साथ भारतीय रेलवे ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाई। रेलवे मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। क्लोन ट्रेन रेलवे के वोटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए 1 नवंबर के साथ उसी जगह से 2 ट्रेन का परिचालन, दूसरी ट्रेन क्लोन है। इस ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण योजना अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया। भारतीय रेल 2020 तक 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा से करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक अपने खाली भूमि का उपयोग करके 20 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है ताकि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य की पूर्ति हो सके जो कि वर्तमान में रेलवे की वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट की है। भारतीय रेलवे वर्ष 2020-21 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 500 मेगावाट की क्षमता वाले सौर संयंत्र रेलवे की इमारतों की छतों पर लगा करके और 500 मेगावाट की कुल सौर संयंत्र रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीन पर लगा करके पूर्ति करेगा। वर्तमान में 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण किया जा चुका है। रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। भारतीय रेल की पहली
रोल ऑन रोल ऑफ यानी RORO सेवा दक्षिण पश्चिमी रेलवे के नेलमंगला जो कि बंगलुरु के पास है से बेल सोलापुर के पास के बीच की शुरुआत की गई मतलब शुरुआत की गई मतलब चलाई गई। रोरो यानी रोल ऑन रोल ऑफ सेवा विभिन्न क्या है ये विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले सामान रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है रोरो सेवा। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुभारंभ किया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। रेल और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री श्री जो कि पीयूष गोयल हैं और कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया है। मैसूर रेल संग्रहालय के बाद ये रेल संग्रहालय दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों में RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना की है। अभी तक 23,000 रेल डिब्बों में ये टैग लगाया जा चुका है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच जो कि पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया है। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों की देखभाल या फिर इलाज करने के लिए कौन कौन सी नई कोच बनाई है कोविड केयर कोच बनाई है। COVID-19 से लड़ने के लिए किस रेल कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है कपूरथला ने। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा जिसमें कि सूखी मिर्च थी। इसे रेड्डीपल्लेम गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज इंजन जुलाई 2020 में सौंपे हैं। हाल ही में मधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री और मड़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12B बनाया गया। इस शक्तिशाली इंजन ने अपनी पहली वाणिज्यिक दौड़ दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच लगाई जिसमें 118 वैगन जुड़े थे। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन और उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया है जहां जो कि स्वदेश में ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हुआ है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के अल्स्टॉम कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद सह रख रखाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो का ऐतिहासिक समझौता यानी भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी FDI परियोजना के तहत। चर्चा में रहा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थापित है जमालपुर बिहार में। मीडिया खबरों के अनुसार इसे लखनऊ स्थानांतरित की बात सामने आया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की है। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगमपल्ली जो कि तेलंगाना में है ये लिंगमपल्ली स्टेशन से हटिया स्टेशन जो कि झारखंड है इसके बीच चलाई है। कुल 1,225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे थे। COVID-19 के शुरुआती समय में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों और अन्य नागरिकों की सहायता करने के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 139 139 और 138। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इज फॉर इक्वल थीम के साथ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। हाल ही के समय में चर्चा में रहा डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई है मुंबई और ठाणे के बीच। इस विरासत ट्रेन की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के द्वारा उन्नयन किया जा रहा है। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स
रेल भोजनालय शुरू किया है, जो कि दो पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदलकर। भारतीय रेलवे में पहली बार पिछले एक वित्त वर्ष 2019-20 में किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई है। इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आस्क दिशा चैटबॉट सेवाएं की शुरुआत की है। अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए भी उन्नयन या विकसित किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO श्री विनोद कुमार यादव ने HRMS मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किए हैं। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान में वर्ष 2020-21 में शिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे के शिकायत निवारण पोर्टल रेल मदद को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 का आयोजन मुंबई में किया गया है। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ पे की है? भुवनेश्वर में की है। ये भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरा है। प्लास्टिक और ई कचरा समेत सभी तरह के कचरे को लाइट डीजल तेल में बदला जा सकता है, जिसका इस्तेमाल भट्टी जलाने में होता है। चर्चा में रहा शब्द DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। भारतीय रेलवे के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर है। कौन कौन से? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि दिल्ली से चेन्नई है, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा है। भारतीय रेलवे और रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर के नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया है। भारतीय रेल ने ई ऑफिस का दूसरा चरण लागू करने के लिए रेल टेल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला चरण को मार्च 2020 में पूरा किया गया है। रेल टेल रेल मंत्रालय का मिनी रत्न उपक्रम है, ठीक है। रेल टेल रेल मंत्रालय का मिनी रत्न उपक्रम है। भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेलवे का महुआ मिलन स्टेशन सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला 5500वां स्टेशन बना है, ठीक है। अब वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला है 1000वां रेलवे स्टेशन रे रोड में, 2000वां रेलवे स्टेशन राणा प्रताप नगर, 3000वां रेलवे स्टेशन एलनाबाद, 4000वां रेलवे स्टेशन तिनसुकिया और 5000वां रेलवे स्टेशन मिदनापुर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सेंट्रल स्टेशन मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला पहला स्टेशन बना था जनवरी 2016 में। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने मिनी रत्न कंपनी रेल टेल से समझौता किया था। वाईफाई रेल वायर ब्रॉड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशनों यानी हाल्ट को छोड़कर, जो कि मतलब कि हाल्ट को छोड़कर के सभी जगह में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने का है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 04 स्टार्स रेटिंग वाला पाने वाला देश का पहला ईट राइट स्टेशन बना। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। यात्रियों को स्वस्थ और सही आहार का विकल्प पेश करने के लिए भारतीय रेलवे ने ईट राइट स्टेशन अभियान की शुरुआत की थी, जो कि FSSAI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट इंडिया अभियान का एक हिस्सा था। IRCTC ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए हैं। भारतीय रेलवे ने हरित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रेलवे ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के योगदान के तहत हरित पहल की शुरुआत की थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। हरियाणा के जगाधारी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की जा रही है। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई।
भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया है। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक है। इसे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। मेरी सहेली पहल ट्रेन से यात्रा करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। रेल व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलुरु में है अब तक कुल 40 लाख पहिए बना करके रिकॉर्ड कायम किया है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। पश्चिम रेलवे के चितरंजन रेल इंजन कारखाने ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन वर्ष 2020 में 150 साल पूर्ण किए हैं। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडोमिक डिजाइन वाले शक्तिशाली ड्वीन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया है। तेजस इंजन 12,000 HP जो कि 6,000 HP प्लस 6,000 HP है के बनाए गए हैं। इसे 160 किलोमीटर प्रति आवर से भी अधिक गति से चलाई जा सकती है। भारत की पहली लिज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई है। इस ट्रेन से दवाओं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुओं जैसे जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तक कर पहुंचाया जा सकता है। समुद्री ब्रिज पंबन को दिसंबर 2020 तक तैयार करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें रामेश्वरम तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो जाएगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन हो गया है। वे कर्नाटक के बेलगावी से सांसद रह चुके थे। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ वीके यादव बने हैं। वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिर्निया तक चलाया है। हाल ही में कोसी महासेतु रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये पुल सुपौल आसनपुर कुपहा को जोड़ेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनेगा? मणिपुर में बनेगा। इसे पियर पुल नाम दिया गया है। इस पुल का निर्माण नोनी के पास इजाई नदी पर किया जा रहा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजी पुल नाम दिया गया है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, जो कि अगस्त 2020 आंकड़े के अनुसार ये चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है। रेल मदद पोर्टल सभी रेल वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया सभी एक पोर्टल है। ठीक है, रेल मदद पोर्टल में सभी रेल वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया ये सभी क्या है? ये एक पोर्टल है। COVID-19 के दौरान रक्षक रोबोट को विकसित किया गया है सेंट्रल रेलवे के द्वारा दवा, फल और जरूरत के सामान वितरण के लिए। मेडबॉट क्या है? ये रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? शेषनाग। कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर। SECR के द्वारा चलाया गया कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये आप देख सकते हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर स्वच्छता रिपोर्ट जारी किया गया है। रेल मंत्री द्वारा देश के कुल 720 रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है। तो प्रथम स्थान पर सबसे स्वच्छ स्टेशन है जयपुर, दूसरे स्थान पर जोधपुर है और तीसरे स्थान पर दुर्गापुर है। एक नोट है, सबसे गंदे रेलवे स्टेशन पेरुंगतेर है जो कि तमिलनाडु में है, पेरुंगलतेर। ठीक है, ये सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये है उपनगरीय स्टेशनों में सबसे स्वच्छ स्टेशन। पहले स्थान पे है अंधेरी, दूसरे स्थान पे विराट है और तीसरा स्थान है नेगांव। अब सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा है? पहले स्थान पे सबसे स्वच्छ रेलवे जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे, दूसरे स्थान पे है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और तीसरे स्थान पे है सबसे स्वच्छ रेलवे जोन है पूर्वी मध्य रेलवे, तीसरे स्थान पे है। ठीक है, RPF का नाम बदल करके IRPFS कर दिया गया है। IRPFS का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। 10 जून 2020 को रेलवे ने पहले इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। ठीक है, 10 जून 2020 को रेलवे ने पहले इलेक्ट्रिक डबल स्टैक
कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा चलाई गई। दुनिया की पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रही है? तो हरियाणा राज्य में कर रही है। तो आगे जो ये आप डब्बा देख सकते हैं, ये चार्ट है, रेल मंत्रालय का आगामी लक्ष्य है। तो हाइड्रोजन से चालित रेलवे स्टेशन, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना का आगामी लक्ष्य रखा गया है 2021। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करना 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना 2023 तक। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट और सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ठीक है, किस रेलवे जोन ने कोविड मरीज की देखभाल के लिए एक रोबोट रेल बोट विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। मुंबई में फैब्री आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन ने स्थापित की है? मध्य रेलवे ने। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है? हुबली को बनाया जा रहा है। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया है? नागपुर में। कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है? हैदराबाद। QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? उत्तर पश्चिमी रेलवे ने। किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती है? सहयात्री मोबाइल ऐप। भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया है। ये गांधी जी की 150वीं जयंती से शुरू किया है। तो आगे अब जो ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे वर्ष 2019-20 में प्रमुख रेलवे स्टेशन के परिवर्तित नाम। तो ये रेलवे स्टेशन के पहले नाम थे और ये परिवर्तित नाम अब है। मंडुवाडी रेलवे स्टेशन यूपी में था, ये बनारस जंक्शन हो गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन महाराष्ट्र, ये नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बन गया है। रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु में परिवर्तित इसका नाम है पुरातत्वी तलाईवर डॉक्टर MGR सेंट्रल। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित होकर के रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। भोपाल मेट्रो रेल जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम परिवर्तित करके भोज मेट्रो कर दिया गया है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अमर शहीद राजा नहर सिंह मेट्रो स्टेशन रखा गया है। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन जो कि नई दिल्ली में है, इसका परिवर्तित नाम है अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम है श्री छत्रपति शाहू महाराजा टर्मिनल। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए फन जोन बनाया गया है? विशाखापट्टनम में। किस ट्रेन में पहली बार पेट बॉर्डर क्रशिंग मशीन लगाई गई है? मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में। पेट का फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेराफेलेट। नेक्स्ट, पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चलेगी। ठीक है, पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चलेगी। दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चलेगी। पहला रेलवे स्टेशन जिसे IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है वो है सिकंदराबाद। भारत का नया रेलवे जोन है दक्षिण तट रेलवे, मुख्यालय विशाखापट्टनम। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? प्लान बी के लिए। ठीक है, पूर्वोत्तम सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? प्लान बी के लिए। कालका हरियाणा और शिमला के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेस का परिचालन किया गया है। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला है? मुंबई में। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेस की व्यवस्था की है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया है। ये रोबोट रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। इसे पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है, कैप्टन अर्जुन।
दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बैट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है, जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। भारतीय रेलवे द्वारा कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना पंजाब ने किफायती वेंटिलेटर तैयार किया है, जिसे जीवन नाम दिया गया है। इसका उपयोग मरीजों के फेफड़ों में ऑक्सीजन सप्लाई करने में किया जाता है। महात्मा गांधी ने 150वीं जयंती को रेलवे ने किस रूप में मनाया है? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को रेलवे ने कम्युनिटी डे यानी सामुदायिक दिवस के रूप में मनाया है। भारत की पहली जीवन रेखा एक्सप्रेस यानी लाइफ लाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस नाम से चली है, किस स्टेशन से चली है? मुंबई से। ठीक है, भारत की पहली जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफ लाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस स्टेशन से चली है? मुंबई स्टेशन से चली है। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई। 2019 ट्रेन उन स्थानों को जोड़ेगी जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने एरोगार्ड के साथ मिलकर के नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की है। इस ऑक्सीजन पार्लर में 1500 पौधे हैं। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश को किस स्थानों से जोड़ती है? कोलकाता से खुलना, जो कि मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। भारतीय रेलवे को किस पहल रेलवे जोन ने सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना है वो है मैसूर। रेलवे द्वारा गठित नई जांच समिति, आप देख सकते हैं, ये रेलवे द्वारा गठित नई जांच समिति अमिताभ कांत समिति हेतु ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने, विवेक देव राय समिति रेलवे में सुधार के लिए और सैम पित्रोदा समिति रेलवे के आधुनिकरण करने हेतु। ठीक है, भारतीय रेलवे में योलो कंपनी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। किस रेलवे जोन ने अपने सभी लोकल ट्रेन में उत्तम रेक लगवाने की घोषणा की है? पश्चिम रेलवे। भारतीय रेलवे ने अपने यात्री में कार्टून गप्पू भैया के सहारे सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की घोषणा की है। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, जो कि IRCTC द्वारा संचालित है। प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली, द्वितीय तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई और तीसरी तेजस एक्सप्रेस इंदौर से वाराणसी। एक नोट है, ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि पूरी तरह से वाराणसी से इंदौर वातानुकूलित है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? हबीबगंज। भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समय अनुसार यदि लेट चलती है तो यात्री को पैसा रेलवे द्वारा वापस की जाती है? कौन सी ट्रेन है? तेजस एक्सप्रेस। डाक विभाग ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए 5 रुपए का डाक टिकट निकाला है। तो आगे हम देखेंगे 2019-20 में रेलवे के प्रमुख ऑपरेशन थर्स्ट प्यास। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेनों या रेलवे परिसर में नकली ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट किस लिए है? ये रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान है। ऑपरेशन थंडर है, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। और ऑपरेशन 5 मिनट है, टिकट काउंटर में मात्र 5 मिनट में टिकट मिलने की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन 5 मिनट। तो ये चारों जो अभियान आप देख सकते हैं, चारों ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो कि 5 लेसन है। इस 5 चैप्टर में हम देखेंगे वर्ष 2020 के प्रमुख GI टैग।
भौगोलिक संकेतक यानी जी आई टैग वस्तुओं, ये दिया किस लिए जाता है, किस लिए जी आई टैग दिया जाता है? तो जी आई टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, ये 2003 से लागू किया गया है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जी आई टैग प्राप्त, दार्जिलिंग टी जो है वो जी आई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद है। जी आई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसको किसको जी आई टैग मिला है। तेजपुर लीची असम, तेजपुर लीची को, ये जो कि असम से है। डिल्ले खुर्सानी मिर्च सिक्किम की है। खाजे, ये मीठा पकवान गोवा का है। हरमल मिर्च गोवा का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2020 के प्रमुख जीआई टैग। इसके बाद मिंदोली केला, मिंदोली केला ये मोयरा केला है गोवा का। थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी है तमिलनाडु की। तंजावुर नीति वर्ष को मिला है, ये लकड़ी की नक्काशी है तमिलनाडु की है ये। इसके बाद अरमवूर वुड नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी है तमिलनाडु की है, ये देख सकते हैं आप ये है ये। केसर खाद्य पदार्थ है जो कि जम्मू कश्मीर का है। तेलिया रुमाल तेलंगाना का है। गोरखपुर टेराकोटा ये मूर्तिकला उत्तर प्रदेश का है जिसको जी आई टैग है। इसके बाद काजीनेसु असम की है। सोहराई खोबर पेंटिंग है झारखंड की। चाखाओ ब्लैक राइस है मणिपुर का है ये। खोला मिर्च गोवा का है।